तलवार को प्रार्थना करती है, हे चंद्रहास भरम हो परितापम, ये रावण तो नहीं चलाता, तू स्वयं चल जा, मुझे मार दे ताकि ये भगवान राम का विरह खत्म हो जाए। चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह अनव संजातम, ये रघुपति के विरह की अग्नि से जलने से अच्छा है कि मेरी मृत्यु हो जाए। शीतल निशित बहसी बरदारा कह सीता हरु मम दुख पारा, तीव्र धार वाली तीव्र तेजोमयी ऐसी है चंद्रहास है खड़क, तू मुझे मारकर मेरे जीवन को शांति दे दे। शीतल धारा, मैं मर जाऊंगी तो मैं विरह से मुक्त हो जाऊंगी। अद्भुत बोले सीता, सुनत वचन पुनि मार न धावा, मैं तनिया कहीं नीति बुझावा, कहीं से सकल निश्चरण बुलाई, सीत ही बहुबुधि त्रास बुझाई। हनुमान जी महाराज ऊपर से देख रहे, यहां से तलवार निकाल ली, सुनत बचन पुनि मारण धावा, भागा सीता जी को मारने के लिए। हनुमान जी सोचे उसको क्या करो, उसको मार दो क्या करो, अभी सीता जी को कौन बचाएगा। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे सिवा उसका कौन है, मैं नहीं करूंगा तो उसका कौन करेगा। हनुमान जी के मन में थोड़ा सूक्ष्म अहंकार आया कि मैं उसको बचा लूं, मगर तुरंत प्रभु राम ने लीला की, मंदोदरी का हाथ आगल करके आगे करके रावण की खड़क पकड़ ली। हनुमान जी महाराज सोचने लगा कि वो दर्द भी वो देता है और दवा भी वही देता है, मारने वाला भी वो बेचता है और साथ में बचाने वाला भी वही बेचता है। हमारे साथ घटनाक्रम होता है तो बड़ा अनिष्ट होता है, तो बचाने वाला भी वही होता है, छोड़े में निपटा देता है प्रभु। प्रभु की लीला अपरंपार है, हम समझ नहीं पाते, हम मानवीय है ना, तो वैसा मानते इसमें क्या हो गया, थोड़ा हो गया, अरे थोड़ा की जगह पूरा होता तो हम नहीं सोच सकते। ब्रेक इधर लग गया, इधर दो फीट नहीं लगा होता और तो जा रहे, ये बच गया, क्यों बचता क्यों है, क्योंकि बचाने वाला साथ में होता है तब व्यक्ति बच जाता है, वरना साइड पे पार्किंग करके खड़ा होता है पीछे से आके, जब बचाने वाला नहीं होता है तब ये सब होता है। यानी कि सुली की गाय सोई से मिट जाती है, जिसका भजन होता है, जिसका अनुष्ठान होता है, जिसका पाठ होता है, उसको बड़ा आघात उस टल नहीं सकता है, जो होनी है वो होके रहेगी, मगर वो छोटी बन जाती है, उसका स्वरूप छोटा हो जाता है। यह हनुमान जी महाराज सोचे कि प्रभु तूने मारने वाला तो भेजा मगर साथ में बचाने वाला भी भेजा। भगवती रावण की पत्नी ने, मंदोदरी ने रावण को पकड़ लिया, कहा स्त्री के ऊपर वीर पुरुष कभी हाथ नहीं उठाते, कहा सीता कल निश्चरण बुलाई, सीता ही बहुबुधि त्रास हो जाई, मई तनिया मई दानव की पुत्री अर्थात। अब रावण ने आदेश दिया कि उसको परेशान करो, कहां से सकल निश्चरण ने बुलाई, सभी राक्षसानी को बुलाया, उसकी पहले गिर थी सब लेडी राक्षसानी थी, कोई जेंट्स नहीं था, क्योंकि स्त्री थी ना, तो मगर सबको आदेश दिया कि अब उसको डराओ धमकाओ, अनेक प्रकार के त्रास दो, उनको त्रस्त करो पीड़ित करो। अभी यहां सीता पर धमकी दी कि मेरे पति को आने दो, और यहां रावण ने सामने धमकी दी कि एक महीने में तू मेरी बात नहीं मानेंगी, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारी भी काफी कृपा न, यदि तू नहीं माना तो हे भगवती हे सीता तूने मेरी बात का स्वीकार नहीं किया तो मैं एक महीना आपकी प्रतीक्षा करूंगा वरना आपको मार दूंगा। भवन गए उदस कंदर यहां पिशाचिनी ब्रंद, सीता ही त्रास दिखा वही दर ही रूप बहु मंद।
त्रिजटा नाम राक्षस एका राम चरण रति निपुण विवेका सबन हो बोलि सुनाई सपना सीत ही से ही करो हित अपना सपने बानर लंका जारी जातु दान से ना सब कर आरूढ़ धन दस सीता मुंडित सिर खंडित भुज पीता एहि विधि सो दक्षिण दिस जाई लंका मन हुं विभीषण पाई नगर फिरी रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई यह सपना में कहउ पुकारी होइ ही सत्य गए सासु बचन सुनिते सब डरी जनक सुता के चरण निपड़ी मंगल गवन अमंगल हार द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल गवन मंगल हारी जपत निरंतर शंभु आमने सामने एक दूसरे को कटु वचन किए एक प्रकार से धमकाया सीता अम्बा ने धमकाया कि प्रभु को आने दे फिर तेरी खैर नहीं रावण ने धमकाया कि षट सुने हरि आ नहीं तो रावण ने कहा कि एक महीने में तू मेरी बात नहीं मानी तो मैं मारी भी काटी कृपा ना तो मैं आपको मार दूंगा सिर छेद कर दूंगा। अब भवन गया रावण चला गया मगर कहता गया कि आप सब उनको डराओ ये महिला है आप उसको डराइए। भवन गए उदस कंदर यहां पिशाची निवृंद सीता ही त्रास देखा वही दरही रूप बहुमन यहां सब मायावी राक्षसानी भगवती सीता के इर्द गिर्द आई और अनेक प्रकार के चित्र विचित्र रूप धारण किए और दिखाए ताकि भगवती डर जाए और रावण की बात मान ले। मगर इस सभी राक्षसानी की जो हेड थी प्रमुख राक्षसानी थी उसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरणति निपुण विवेका। क्या रावण की योजना है साहब, एक ही बार रावण गया है और अकेला कभी भी सीता अम्बा के पास नहीं गया है। हम रावण को बारी बारी कोसते हैं नेवर अकेला कभी भी सीता भगवती के सामने नहीं प्रकट हुआ। अपनी पत्नी को लेके जाता है और धमकाता है मगर सोचा कि भगवती सीता राजरानी है उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं है तो उसके बगल में किसको रखा जाए। तो लंका तो निश्चरों का प्रदेश है लंका निश्चर निकर की भाषा राम को जो चाहता है उसको वहां रखना चाहिए। राम के चरण में जिसका अनुराग है ऐसा कौन है। तो उन्होंने पाया कि त्रिजटा नाम की जो राक्षसानी है वो प्रभु राम को प्रेम करती और साथ जैसा व्यक्ति होता है वैसा उनको मिल जाता है ज्ञानी से ज्ञानी मिले। आपका जैसा चरित्र है आप दुनिया में जाइए कोई भी इस टाउन को बदल के दूसरे टाउन में चले जाइए आपका जैसा चरित्र है वैसा आपको व्यक्ति मिल जाएगा। यहां रावण ने व्यवस्था की कि जिसका स्मरण था जिसकी रति जिसका अनुग्रह प्रभु राम में था ऐसी राक्षसानी का चयन किया और उसको हेड बनाकर अशोक वाटिका में रखा। उसका नाम था त्रिजटा नाम
राक्षसी का रामचरंद्र की निपुण विवेका। प्रभु राम के चरण में रति अर्थात प्रेम था और उसकी बेस्ट क्वालिटी ये थी कि विवेक में निपुण थी। राम चरण रति और दूसरी पदवी है उनकी निपुण थी, किसमें? विवेक में निपुण। ये महिला है, सीता है, अकेली है, डरी हुई है, घबराई हुई है, हाउ टू ट्रीट, उसको कैसे संभालना, कैसे उसकी रक्षा करना, तो नीतिवान है, अनुरागी है और विवेक में निपुण है। सब राक्षसाणी जब सीता को घबराने डराने लगी तब सबको बुलाई, इधर आओ सब, सबन हो बोली सुनाए सी सपना। सुनो सुनो, मैं आपको बात कर रही हूं, मुझे सुबह आज एक सपना आया था, अपने सपने की बात कर रही हूं और सपना हमको याद नहीं रहता, यदि आप लिख लो रिकॉर्डिंग कर लो तो ठीक है, वरना दो दिन बाद याद नहीं रहता। तो उनको याद रह गया और ब्रह्म मुहूर्त का सपना था। शुकन शास्त्र में अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें सपना का एक अलग शास्त्र है। तो उन्होंने बोला कि यदि आप अपना हित चाहते हैं तो सीता की सेवा करें, सीता का ध्यान रखें। सीत ही से ही करो हित अपना, अपनी नौकरी बचा के रखनी है तो उसका ध्यान रखें, वरना नौकरी से हाथ धो बैठे। तो सब सहेलियों ने, सब उसकी राक्षसानी थी, उन्होंने कहा ऐसा क्या है, उसको तो रावण का जलाया, ये क्या कर सकती है। तो बोले मैंने सपना देखा है। सपना में क्या देखा? सपने बानर लंका जारी। मुझे एक सपना आया कि एक बानर आया और बानर ने लंका को जला दिया। आ, ये महापुरुष, ये भक्ति का रंग होता है साहब, उसको भनक लग जाती है कि क्या होने वाला है। ये भक्ति जब परिपूर्ण हो जाती है, भक्ति जब पक्व हो जाती है, तब समझ नहीं पाते हैं तो सपने में आकर इष्ट आपको बता देते हैं क्या होने वाला। यहां त्रिजटा के स्वप्न में ये पूरी चीज, पूरा घटनाक्रम आ गया। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। पूरी सेना, जातु धान जो भट बलवान थे, बड़ा बड़े बड़े योद्धा था, सबको मार दिया। फिर बाद में रावण का क्या हुआ पता है? खर आरुद्ध नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। अद्भुत बोली है, मगर ये तो राम है, राम ने ऐसा नहीं किया। और शत्रु होता तो ये सपने के मुताबिक ही प्रभु करते, अन्य कोई शत्रु होता तो ऐसा ही होता। तो ऐसे क्या दिखाई दिया? खर अर्थात, खर का अर्थ क्या होता है? गधा, गधेड़ा। खर आरूढ़, आरूढ़ अर्थात बैठा हुआ, गधे के ऊपर बैठा हुआ। किसको देखा? नगन, वस्त्र निकाले गए हैं, ऐसा दस शीश वाला रावण उल्टा बैठा है। खर आरूढ़ नगन दस शीशा, और मगर विधि की वक्रता है कि उसके सभी सिर को मुंडित कर दिया है। ब्राह्मण का अपमान करने का सबसे बड़ा रास्ता है उसका मुंडन कर दो, उसका उसको मारने की जरूरत नहीं है, ब्रह्म हत्या नहीं लेने की, उसको मुंडन कर दो, ब्राह्मण मर जाता है, शिखा मत रखो। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। 20 हाथ उनके कटे हुए। यही विधि सो
दक्षिण दिश जाई लंका मन विभीषण पाई। इस प्रकार ये हमारा राजा यही विदिश और दक्षिण दिश जाए। दक्षिण दिशा किसकी है? यम की दिशा है, इसलिए दक्षिणाभिमुखी दक्षिणमुखी वर्जित है। यदि दक्षिणमुखी है तो हम पंचमुखी हनुमान जी को लगा लेते हैं, क्योंकि दक्षिण का दोष निकल जाए। दक्षिण की यात्रा आरंभ नहीं करना चाहिए दक्षिण दिशा की, और दक्षिण यम की दिशा है। तो यहाँ उपमा अलंकार का उपयोग करते हुए कहा रावण मर गया ऐसा नहीं कहा, मगर इस प्रकार रावण यम द्वार जा रहा है। यही दिशि सो दक्षिण जाए लंका मन विभीषण पाई, और लंका विभीषण को मिल गई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली, और पूरी लंका में